कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है अखिल मंगलौर में? जी मंगलौर की बात करें ये एक घंटा में करीब 7.5 से 8% के जो मतदान हो चुका है। और बात करें मंगलौर विधानसभा की तो मंगलौर विधानसभा में करीब 1,15,000 मतदाता है, जिसमें लगभग 61,000 पुरुष मतदाता और 54,000 लगभग महिला मतदाता है। और बात करें जो मंगलौर विधानसभा में 132 बूथ बनाए गए, जिसमें 40 है वो अति संवेदनशील है और 11 जो बूथ है वो संवेदनशील। मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कुछ लोग जो हैं मतदाता जो हैं वो आपके पीछे नजर आ रहे हैं, उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि जिन मुद्दों पर यहाँ पर आम जनता को ये लुभावने वादे दिए जा रहे थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये करेंगे, क्या उसका असर नजर आया है? जी जी बात करते हैं, वोट डालेंगे किस क्या मुद्दों पर डालोगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे, क्या किस तरह पर मुद्दे पे अपना जो भैया रहेगा क्या मुद्दे रहेगा, मतदान करिए आप, मतदान करिए क्या मुद्दे पर है, किस तरह से चुनना चाहेंगे प्रतिनिधि, आप क्या मुद्दे पर मतदान किया है? प्रतिनिधि हम चाहते हैं अंदर विकास करा सके, इसलिए हमने उसको वोट दिया। सुधीर भाई तो मैम ये जो है विकास के नाम पर ही हम मतदान करके आए, कुछ हमारे बुजुर्ग भी है, चाहे काफी युवा भी है यहाँ इकट्ठे हो गए, मतदान अभी कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया। अखिल युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, पलायन का है, क्योंकि जब युवा निकलते हैं तो पलायन कर लेते हैं, शहरों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले 5 सालों में वादा किया गया कि पलायन को हम रोकेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, इनसे पूछिए कितना पलायन रुका और कितने युवाओं को रोजगार मिला है और अब वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब जनता के हाथ में है कि किसको सत्ता तक पहुंचाना है और किसको गिराना है। भाई कुछ युवा भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे रोजगार को, रोजगार को लेकर क्या कहना है, कितना रोजगार मिल पाया है? रोजगार तो भी कुछ नहीं दिया जम्मू जी ने, और रोजगार की बात तो ये गृह बैठेगा ये सोचेगा पब्लिक के बारे में क्या होना चाहिए, यहाँ की जनता के बारे में। तो क्या क्या समस्या है मंगलौर? समस्या तो ये सारी है, सड़क के लिए और स्कूल वगैरह हो गया बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, मंगलौर के अंदर से कोई शिक्षा नहीं है कि मंगलौर बच्चा मंगलौर के अंदर पढ़ सके, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है उसको, तो ये समस्या है मंगलौर के अंदर, और क्या समस्या है? तो रोजगार को लेकर कुछ हुआ कह रहे हैं और खासतौर पर कह रहे हैं शिक्षा को लेकर, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, रुकी ही जाना पड़ता है युवाओं को, तो यही मुद्दे मंगलौर में वोट डालने जा रहे हैं युवा। जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि मंगलौर का युवा पूरी तरह से जागरूक है। महिलाओं का आप जिक्र कर रहे थे कि इतने हजार यहाँ पर महिला जो मतदाता है, क्या महिलाओं की संख्या दिख रही है, क्या वो उत्सुक नजर आ रही है मतदान करने के लिए? जी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन 7 बजे से ही कुछ महिला काफी लंबी लंबी कतार है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे सामने काफी महिला दिख रही है आपको, काफी लंबी कतार है ये अंदर जाके मतदान केंद्र, लेकिन काफी पहले से यहाँ जो महिलाओं की लाइन लगनी शुरू हो गई, पुरुष मतदाताओं का भी लाइन अलग है और महिला जो मतदाता है उनकी लाइन अलग है, ये काफी महिलाएं आपको देखने को यहाँ दिखाई दे रही है और आगे जाके काफी लंबी लाइन है और जो महिला मतदाता है उनमें भी काफी उत्सुक नजर आ रही है मतदान करने के लिए।